हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम ये वाला धागा लेंगे। सबसे पहले हम ऐसे मैजिक रिंग लगाएंगे और यहाँ से हम तीन चैन लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा। एक, दो, तीन। तीन चैन लेने के बाद अब यहाँ हम डबल क्रोशे बनाएंगे। जो हमने तीन चैन ली उसको भी एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे। दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह और ये लास्ट पंद्रह। हमने यहाँ पे टोटल 15 डबल क्रोशे बना लिए हैं। अब इसको हम टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद एक, दो, तीन, यहाँ इस वाले लूप में ऐसे इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब ये वाला धागा इसको हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे। अब एक, दो, तीन, तीन चैन लेंगे। अब जिस लूप में हमने इसको अटैच किया है सेम लूप में से हम डबल क्रोशे बनाएंगे। एक, वापस से एक और डबल क्रोशे बनाएंगे, दो। अब अगले वाली चैन में हम इसमें हम सेम जगह से दो डबल क्रोशे बनाएंगे। ये अब हर एक चैन में हम दो दो डबल क्रोशे बनाएंगे। हर एक चैन में हमने दो दो डबल क्रोशे बना, तो यहाँ तक बना लिए। अब स्टार्टिंग में हमने जहाँ तीन चैन ली थी सेम जगह से एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। ये अब यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे ऐसे। इस तरह से हमने बना लिए। अब सेम तरीके से ही एक और हमने ये बना रखा है और एक ये, इस तरह से बना लिए हमने। ये तीन हमने दो मरून कलर में, एक ये क्रीम कलर में बना लिया है। अब इसको हम यहीं पे ऐसे छोड़ेंगे। जो ये वाला क्रीम कलर में हमने बनाया है इसको हम आगे बनाएंगे। एक चैन ले ली। चैन लेने के बाद सेम जगह से स्लिप स्टिच, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट वाले चैन में स्लिप स्टिच, एक चैन, स्लिप स्टिच, एक चैन, ये इस तरह से हम यहां तक बनाएंगे। ये देखिए, हमने ये हर एक चैन में इसी तरह से यहाँ तक बना लिया है। अब इसको लास्ट में इसमें भी उसी तरह से स्लिप स्टिच और इसमें ऐसे ऐसे बन के आ गई है। अब हम यहाँ पे चैन बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह,
सात आठ नौ दस। हमने 10 चैन बना ली, एक चैन और ले लेंगे और इसको ऐसे खींच देंगे। ये इस तरह से ये बना लिया है। अब हम ये लेंगे, ये हमारा सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है, इसको हम उल्टा रखेंगे और जो ये वाला है इसको हम ऐसे सीधे रखेंगे। अब लेंगे ये वाला सेकंड वाला, ये इस तरह से कहीं से भी ऐसे मिला लेंगे ऐसे। अब हम क्रोशिया लेंगे और यहां से ऐसे स्लिप स्टिच। अब अगले वाली चैन में उसी तरह से ये। अब हर एक चैन में ऐसे ही स्लिप स्टिच से बनाते हुए हम इसको सिल लेंगे। अगर आपके पास ग्लू हो तो आप ग्लू से भी पेस्ट कर सकते हैं। ये सिल लिया यहाँ तक। अब हम इस धागे को यहाँ से कट कर देंगे। काटने के बाद अब ये वाले लूप जो है यहाँ से ऐसे, जो हमने स्लिप स्टिच से सिला था इस तरह से और वापस ऐसे। चाहे तो आप सुई से भी कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा फिनिशिंग से अटैच हो जाएगा ये। अब इस धागे को यहाँ से बीच से डालेंगे और अंदर की तरफ ले आएंगे, जो ये वाला धागा है हमारा, इसको ऐसे। अब हम इसको कर देते हैं, यहाँ से काट देते हैं। इस तरह से हमारा सिल के तैयार हो गया है। अब एक ये लेंगे सुई, सॉरी एक की लेंगे हम। अब इस तरह से एक चैन लेंगे ऐसे, फिर वापस से ये सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब ये एंड में इस तरह से ले लेंगे, यहां से टाइट निकल रहा है तो। अब इस धागे को हम यहाँ अंदर की तरफ छुपा देंगे। ये देखे इस तरह से ये हमारी ओरियो बिस्किट की चैन बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की नई नई वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।